दोस्तों, गंगा जमुना सरस्वती मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन के जीवन की बहुत ही चर्चित फिल्म है। लेकिन इस फिल्म के साथ जो हादसा हुआ, अमिताभ बच्चन ने मनमोहन देसाई जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे उनके साथ मिलकर जो कंट्रोवर्सी की, वो कहां तक चली और लोगों ने कहां तक चलने दिया गया, ये बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल फिल्म बनती है डिस्ट्रीब्यूटर के पैसों से। जब इस फिल्म का मुहूर्त हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बढ़ चढ़ के पैसा लगाया। अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दो बड़े नाम, डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगता था कि पैसा लगाते ही पिक्चर हिट हो जाएगी। लेकिन कभी कभी कलाकारों की कारगुजारी पिक्चर पे भारी पड़ती है। अमिताभ बच्चन मनमोहन देसाई की जोड़ी जो चाहे करवा ले, पिक्चर में मन मुताबिक सीन रखे गए, मिथुन चक्रवर्ती के सीन काटे गए और जहां दो हीरो की फिल्म थी, पिक्चर बनते बनते मिथुन चक्रवर्ती उस फिल्म में पूरी तरह से साइड लाइन कर दिए गए। जब इस फिल्म का मुहूर्त रखा गया तो कुछ बात और थी, और जब फिल्म बन के तैयार हुई, पिक्चर का ट्रायल रखा गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखते ही समझ में आ गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। पिक्चर में मिथुन चक्रवर्ती सेकंड हीरो क्या बिल्कुल साइड लाइन कर दिए गए थे। जैसे ही पोस्टर्स की पहली खैप, जिसे कहते हैं टेरिटरीज, में पहुंचना शुरू करती है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स की टेरिटरी में थिएटरों में जब पोस्टर लगना शुरू हुए, तो देखिए एक ही पोस्टर पे पांच पांच फोटो है, वो भी सारी की सारी अमिताभ बच्चन की। एक ज्यादती की भी हद होती है, पांच फोटो पोस्टर पे और सारे की सारे अमिताभ बच्चन के। मिथुन चक्रवर्ती बिल्कुल दरकिनार कर दिए गए। यहां तक तो ठीक था, मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन सिगार पीते हुए खुश हो रहे होंगे एसी बंगले में बैठकर। लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों का असली भाग्य विधाता होता है जनता का प्यार। जनता ने जब थिएटर में जाकर पिक्चर देखी और अपने चहेते स्टार मिथुन चक्रवर्ती को साइडलाइन देखा, तो पिक्चर को ऐसे औंधे मुंह गिराया कि बस इसका हशर जो हुआ वो शायद अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। पिक्चर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। जनता के प्यार को किस तरह से धोखा दिया जाता है और उसका जवाब जनता कैसे देती है, ये इस फिल्म के जरिए दिखाया है। मिथुन चक्रवर्ती हर वार को झेल गए क्योंकि उन्हें पता था कि असली उनका भरोसा उनकी जनता है और वो जवाब देगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद स्टार कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन जवाब जो जनता ने दिया वो जग जाहिर है। गंगा जमुना सरस्वती बुरी तरह से फ्लॉप हुई। अगर अमिताभ बच्चन मिथुन चक्रवर्ती के साथ न्याय करते, बराबर हीरो के रूप में उनको साथ लेके चलते, तो शायद ये पिक्चर भी कहीं ना कहीं हिट की श्रेणी में रखी जाती। लेकिन जो हशर हुआ वो आपके सामने है। कमाल है, बॉलीवुड में कभी कभी ऐसे किस्से भी हो जाया करते हैं।